ये अगर इधर से जाए तो नहीं। वेज बिरयानी होगा? बिरयानी कैसा है ये जो वेज बिरयानी? बिरयानी आप लिखे कैसा? हाँ, बिरयानी चिकन बिरयानी है। वेज बिरयानी नहीं होता है? वेज बिरयानी नहीं होगा, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी कितने का है? 300 का। मतलब कोई भी घर में आपको आदमी नहीं दिखेगा? पूरे गांव में भाई घूम रहा हूँ, कहीं भी आपको आदमी नहीं दिखेंगे। भाई वो देसी लाया था, बोल रहा था 30 रुपए का देसी। भाई 30 रुपए जो अपने तरफ 70 रुपए या शायद अब तो 75 हो गया है। संतरा कुछ ऐसे कुछ उस पर लिखा रहता है, वो आ रहे ऑरेंज, तो वो भाई यहाँ पे जो है सिर्फ 30 रुपए का मिलता है। भाई भाई वो 60 रुपए में दो बोतल लाया, मारा चट्टे से सो गया भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हमारा टेंट यहाँ पे लगा था, ये देखो भाई, और ये पूरा भाई ग्राउंड है। यहाँ पे जो है खेल कूद होता रहता है। तो भाई इसके पीछे जो देखो भाई नदी भी था, तो नहाने वहाने का भी पूरा व्यवस्था है। भाई देखो ये पूरा नीचे नदी है, और हमारा जो है फ्रेश होने का भी व्यवस्था है। भाई इसके जस्ट नीचे लेटरिन बाथरूम भी है, आपको दिखाते हैं। तो एक मिनट, ये देखो भाई ये वाला रूम था, इसके अंदर भाई जो है लेटरिन बाथरूम भी है, तो वहाँ भी फ्रेश होने का भी व्यवस्था हो गया था। और भाई देखो कुछ ऐसा ये ग्राउंड है, चारों तरफ भाई पहाड़ से घिरा हुआ है। और भाई ठंडी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, रात में लगभग जो है 10 टेम्परेचर चला गया था। भाई बहुत ज़्यादा ठंडी थी। इसके पहले जब रूपा में थे वहाँ भाई थोड़ा कम था इससे ज़्यादा, और यहाँ पे भाई उससे ज़्यादा है। तो भाई आज निकलते हैं ईटानगर की ओर। ईटानगर की ओर तो भाई आज दूसरा दिन है जब से निकले हैं बमडीला से, पर ईटानगर देखो भाई कब पहुँचते हैं। लगभग अभी तो हमको लग रहा है अभी भी 2 दिन और लगेगा ईटानगर पहुँचते पहुँचते। तो चलिए अपना टेंट वगैरह फोल्ड करते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई इनसे लोग से पूछते हैं, इधर एप्पल का बाग इस ये वाला रास्ता जाएगा? एप्पल फार्म, एप्पल बाग जो है जहाँ पे एप्पल एप्पल के पेड़ जो होते हैं ना, ये वाला रास्ता उधर नहीं जाएगा? इधर वाला घूम के जा, ये यूट्यूब वीडियो बन रहा है। ये अगर इधर से जाए तो नहीं जा पाएंगे? हाँ अच्छा, देर लगेगी। ये नज़दीक पड़ेगा, ये नज़दीक पड़ेगा, ये नज़दीक पड़ेगा, आप लोग गाड़ी रुक जाके। अच्छा सीता है, और नीचे में लोहा ब्रिज है ना, वहाँ से सीता है। ठीक है, थैंक यू। तो भाई यार बहुत घूम के जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर लगभग। तो भाई अभी जो है हमारा जो है फ्रेश हो चुके हैं, यहाँ नदी के पास पीछे नदी देख सकते हैं, और नहा लिए हैं। तो अब निकलते हैं भाई एप्पल बाग के लिए। आज आपको दिखाते हैं एप्पल बाग यहाँ का। तो भाई एप्पल बाग की तरफ भाई जा रहे थे, तो यार इतना खूबसूरत सा भाई एक फुट ब्रिज मिला हुआ है। देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, ये कुछ झंडे लगे हैं कपड़े के, और हवा भाई इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, क्या आनंद आ रहा भाई इस ब्रिज पे। एप्पल बाग, एप्पल बाग ऊपर जाना है। ठीक है, थैंक यू। तो भाई एप्पल बाग ये वाला रास्ता जाना। भाई देख लो अभी अंदर आ गए हैं गांव के अंदर, सड़क पे, सड़क से गांव के अंदर में आ गए, और ये वाला रास्ता भाई जाएगा एप्पल बाग को। तो भाई ये देखो, ये अंदर जो आप पूरा देख रहे हो भाई, ये है एप्पल बाग। भाई मेरे साथ जो है मजाक हो गया भाई, क्योंकि भाई एप्पल तो है ही नहीं है, सिर्फ बाग बाग है, मतलब पेड़ है, सेब तो है ही नहीं है भाई। क्योंकि यहाँ पर बता रहे इसका सीजन होता है, जैसे हमारे यहाँ आम का सीज़न होता है गर्मियों में होता है, वैसे इसका सीज़न है भाई अगस्त में, अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में रहता है 4-5 महीने तक। तो भाई सेब तो नहीं देखने को मिलेगा, पेड़ दिखा देते हैं अभी, अंदर इंट्री भी कर लेते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। वैसे यहाँ से बाहर से सब कुछ पूरा दिख रहा है भाई, ये देख लो पूरा बाग है ये। तो भाई ये देखो सामने आप बिल्कुल पास से भाई देख लो, ये है भाई सेब का पेड़, और भाई इसके अंदर एंट्री अभी नहीं मिल रही है, क्योंकि भाई वहाँ आप देख सकते हो सब कुछ बंद है भाई, अभी इसका जो है सीज़न नहीं है। तो अभी जो है यहाँ पे कोई मैनेजमेंट वाला मतलब है नहीं, तो सब कुछ गेट वगैरह बंद है सब। अभी हो सकता है शाम वाम को आते हों, तो अभी फ़िलहाल गेट बंद है, तो अंदर जाने को नहीं मिलेगा। तो भाई वैसे देख ही लिए बाहर से यार, उसमें है ही क्या है, बस ये पेड़ है, जो छोटे छोटे पत्ते अभी निकल रहे हैं, फूल टाइप के निकल रहे हैं। तो वैसे तो सेब देखने को मिलता है अगर अगस्त के बाद आप आते हो तो। फिलहाल
देखा जाएगा अगस्त में अगस्त में हम कहाँ आ रहेंगे। तो फिलहाल चलते हैं नीचे और फिर निकलते हैं अपना ईटानगर की तरफ, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। भैया पानी मिल जाएगा थोड़ा पीने के लिए? पानी नहीं है इधर? नल कहीं लगा होगा? नल नीचे जा, कुत्ता उत्ता तो नहीं है नीचे? ठीक। तो भाई यहाँ भाई गांव एरिया में घूमते घूमते प्यास लग गई भाई। देखो मेरा बोतल पूरा खाली है भाई। ये सेब बाग क्या हो गया भाई, हालत ख़राब हो गई भाई। इतना लगभग सड़क से भाई दो किलोमीटर लगभग चढ़ के आए तो नीचे भाई नल है जा रहे पानी भरने। देखो कुछ ऐसा भाई, ये पूरा गांव है और नीचे बताए हैं नल है तो वहाँ से पानी भर लेते हैं हम। अब देखते हैं भाई, इधर देखो कुछ खेती होती है भाई अपने घर के पीछे लोग करते हैं। ये मुर्गियाँ वर्गियाँ देखो भाई यहाँ खेल रही हैं, और खेल रही है बोल रहे तो भाई देखो ये कुछ यहाँ पे ये सब खेती होती करते, शायद टमाटर है शायद, कन्फर्म नहीं है। तो आंटी पानी ले ले, पानी नहीं बोल पाती, इसमें से ले ले इसमें। तो भाई देखो कुछ यार ऐसा घर है, रुको भाई पहले पानी भर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं घर यहाँ का। आंटी आप बोल नहीं पाती? बोल नहीं पाती नो। तो भाई देखो कुछ ऐसा भाई ट्राइबल लोगों का घर इस टाइम में। देखो भाई पूरे भाई लकड़ियों का घर होता है इनका। भाई देखो इधर कुछ गमला वमला भाई सजा के रखे हुए हैं ये सब। और भाई यहाँ पे सब चले जाते हैं दिन में, सब खेत में चले जाते हैं। देखो भाई सब ताला लगा हुआ है, दिन में यहाँ भाई कोई रहता ही नहीं, सब अपने सुबह 8 बजे तक जो है ताला लगा के घर में सब लोग खेत में चले जाते, पूरा घर भाई खाली रहता है। मतलब कोई भी घर में आपको आदमी नहीं दिखेगा, पूरे गाँव में भाई घूम रहा हूँ कहीं भी आपको आदमी नहीं दिखेंगे। तो कुछ ऐसा था भाई ये गांव। ये आंटी का कुछ भाई डस्टबिन है क्या? अच्छा नहीं नहीं डस्टबिन नहीं, हमको लग रहा है शायद ये जो है इसको मुर्गे को इसमें डाल के बंद करने के लिए है, ऐसा कुछ है भाई यहाँ पे। ये पूरा गांव है नहीं मुर्गा घर तो भाई मुझे ये लग रहा है। ये देखो भाई अंदर ये पूरा मुर्गा घर है, हमको लग रहा है वो डस्टबिन है जो भी होगा। ये देखो भाई इनके सब, ये सब जो है भाई इसमें कुछ सामान वामान लाते हैं, इसे पीछे साइड पीठ में जैसे हम सब बैग नहीं टांगते उस टाइप से टांग लेंगे, घास वास पहाड़ों से ऊपर से लेकर आते हैं, ऐसा कुछ है ये गांव। मुर्गे भाई बहुत घूम रहे हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं। ये देखो भाई तो कुछ ऐसा है भाई इनका घर। चलिए फिर चलते हैं अपने सफर पे सड़क पर ईटानगर की ओर। आंटी आंटी ये किस चीज का पेड़ है ये वाला? किसकी? नाशपत्ती की पेड़ है। ओ भाई ये देखो भाई ये जो आप सामने देख रहे हो भाई ये नाशपत्ती का पेड़ है। इसमें कब निकलता है नाशपत्ती? अक्टूबर में? भाई हम गलत टाइम पे आ गए भाई, इसमें देखो नाशपत्ती का पेड़ है भाई पर अक्टूबर में निकलता है, कुछ नहीं देखने को मिल रहा भाई, गलत टाइम पे आ गए यहाँ पे हम। तो भाई हमें यहाँ ऊपर पे ही भाई एप्पल बाग के पास ही भैया से लिफ्ट मिल चुकी है जो कि हमको छोड़ देंगे रूपा तक। तो भाई ऐसे इस पर चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी भाई, और लगभग 2 किलोमीटर भाई ऊपर से हमें आना पड़ता, तो बढ़िया हुआ भाई लिफ्ट मिल गई यहाँ से, अब पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा इसे पहाड़ों में। तो पहुँचते हैं रूपा। तो भाई अभी फिर से हम भाई रूपा में आ चुके हैं शहर गांव से, वो जिस भैया के गाड़ी में आए वो रूपा बिल्कुल टाउन में ही आ रहे थे तो टाउन में ही हमको उतार दिया। अब हमको फिर से सड़क पर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे के लिए लिफ्ट देखते हैं। और सोच रहे अब टाउन में आ ही गए तो यहाँ पर भाई कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज से लगी हुई है। तो भाई उसी होटल में भाई रूपा में आ गए जहाँ भाई मैं सुबह आमलेट खाया था, तो आज भाई खा रहा हूँ पूड़ी। ये 50 रुपए का पूड़ी भाई 3 पीस है, और कुछ ऐसा होटल है ये भाई का होटल है।
वही होटल पे आपको तो होटल पहले ही दिखा चुके हैं, तो भाई खाते हैं उसके लिए। ये भाई अरुणाचल प्रदेश का संडे मार्केट है भाई, तो इसको मैंने भाई पूरा मैंने एक्सप्लोर किया है। इसका बिल्कुल अलग से वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो हो गई थी, तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम हिचकिंग कर रहे हैं ईटानगर की ओर, देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो अभी यहाँ देखो भाई कितना ज़्यादा भीड़ है, तो हमको थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा, उसके लिए भाई लिफ्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भीड़ में तो लिफ्ट मिलने वाली नहीं है भाई। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं तेंगा मार्केट। तो भाई यहाँ पे एक लिफ्ट मिली थी, आ गए भैया पीछे, उनको कुछ काम था यहीं पे छोड़ दिए हैं। और कुछ भाई ऐसा मार्केट है देखिए, और तेंगा मार्केट काफ़ी दूर भर में है। तो भाई यहाँ का कुछ ऐसा भाई देखो लोकल मार्केट है, पूरी सड़क के किनारे भाई मार्केट ही बना हुआ है। अच्छा है भाई, अब कुछ समझ में भाई नहीं आ रहा, दो तो बज गए हैं कि आगे जाएं भाई कि यहाँ पे कैंप लगा लें, सोचते हैं भाई उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा, वीडियो का आखिरी तक पता चल ही जाएगा भाई कि कहाँ आगे जा रहे हैं या फिर यहीं पे कैंप लगा रहे हैं। सोच तो रहे हैं भाई, क्योंकि थोड़ा थक गए हैं, सोच रहे हैं यहीं पर कैंप लगा के सो जाएँ। ये देखो भाई वाइन शॉप, यहाँ पे भाई वाइन बहुत ज़्यादा सस्ता, बहुत ही ज़्यादा, अपने यूपी के हिसाब से यहाँ पे 50% डिस्काउंट हो जाएगा भाई हर चीज़ में, हर चीज़ में, मतलब दारू के सामान में, ड्रिंक के सामान में। तो भाई कुछ ऐसा मार्केट है भाई, यहाँ का सब्ज़ी मार्केट है ये, और सब्ज़ी वगैरह मिल रही है। या परचून की दुकान है छोटी, और नॉन वेज आपको इधर मिल जाएगा, मछली वगैरह, इधर मुर्गे भाई, पूरी मार्केट है भाई, बढ़िया मार्केट है भाई। हाय, तो भाई चल रहा है, बढ़िया मार्केट है भाई, हर चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, मतलब खाने पीने की तो दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली है, ऐसे थोड़ा दिक्कत हो जाती कहीं कहीं भाई चले जाते हैं वहाँ पे खाने के लिए, बहुत ढूंढना पड़ता है यहाँ पे। पर हाँ भाई होटल नहीं दिखा है, सब्जी और ये सब चीज़ें की दुकान दिखी है, पर भाई होटल नहीं दिखा अभी तक, तो देखते हैं अभी क्या, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, मार्केट देखते रहिए भाई कुछ ऐसा। हाँ तो भाई लोग मिल रहे थे, देखे YouTube वीडियो बन रहा है, तो हाय बोलना था, बोल दिए, क्या किया जाए भाई यार, कैंप के लिए कहाँ जगह देखा जाए, कुछ समझ में तो अभी नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा जगह है भाई देखो। तो भाई अभी जो है हाईवे से थोड़ा नीचे उतरते हैं, देखते हैं इधर साइड एक आगे नदी भी है, तो देखते हैं नदी के पास क्या माहौल बनता है कैंप के लिए। इधर भी पूरी मार्केट ही है भाई, ये देख सकते हो भाई कुछ ऐसी यहाँ की मार्केट है। और ये क्या मिल रहा भाई, अच्छा ये पैसा रखने वाला गुल्लक, ये क्या है भैया, ये छोटे छोटे सुपारी, ये कैसा सुपारी है, अच्छा पता नहीं भाई कैसा सुपारी है, इसके अंदर सुपारी, अच्छा अच्छा वही चीज़ जिसको भाई खोलोगे उसके अंदर सुपारी मिलेगा, कुछ ऐसा सिस्टम है भाई यहाँ का, मार्केट देखते रहो भाई। ये माजा कितने का है, माजा हाउ मच, अच्छा एम आर पी से देते हो यहाँ पे भी, 100 50 का मिलता है, 50 का मिलता है, रहने दो भाई यहाँ पे माजा 50-60 ऐसे कुछ मिलता है भाई अपने तरफ, 100 का दे रहे भाई 100। ये देखो भाई यहाँ पे भी वाइन शॉप भाई, आपको हर कोने पे यहाँ पे वाइन शॉप मिल जाएगा, जहाँ देखो भाई वहीं वाइन शॉप, एक मार्केट में लगभग 5-5, 6-6 वाइन शॉप है भाई, इतना सस्ता है तो लोग यहाँ के पियेंगे नहीं। अभी जहाँ हम उसमें रूपा में रुके थे, रूपा में, तो जिनके फार्म हाउस में रुके थे वहाँ पे एक जो है कर्मचारी था, मतलब देख रेख करते थे, तो भाई वो देसी लाया था, बोल रहा था 30 रुपये का देसी भाई, 30 रुपये जो अपने तरफ 70 रुपये या शायद अब तो 75 हो गया है,
संतरा कुछ ऐसे कुछ उस पर लिखा रहता है, वो आ रहे ऑरेंज, तो वो भाई यहाँ पे जो है सिर्फ 30 रुपये का मिलता है भाई। भाई वो 60 रुपये में दो बोतल लाए, मारा चट्टे से सो गया भाई। भाई हमको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भाई ये देखने को मिलता है भाई, लेटर बॉक्स। हर जो भाई हर गांव में अंदर चले जाओगे भाई, आपको एक लेटर बॉक्स ज़रूर मिल जाएगा हर टाउन के अंदर। तो भाई अभी जो है नदी किनारे आ चुके हैं भाई, ये कुछ ऐसा यहाँ का पार्किंग है, सोच रहे हैं भाई पार्किंग में जुगाड़ लगाएं क्या कैंप के लिए। अभी मयंक भाई यार घूम रहे हैं, देखते हो क्या होता है। इधर कुछ ऐसे घर हैं, वहाँ पे भी सारे घर हैं। अब मयंक भाई अभी जुगाड़ में है, कैंप मास्टर है ना भाई मयंक, वो देखो जा रहे हैं अभी वही जुगाड़ लगाएंगे कहाँ कैंप लगाना है। मेरा तो मन हो रहा भाई यहीं पार्किंग में डाल देते हैं, क्या करना है गाड़ियाँ भी तो कम है, उधर किनारे साइड डाल देते हैं और क्या। तो भाई देखो अभी जो है मयंक भाई जो है चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं बच्चों में। तो क्या नाम है तुम्हारा सबका, अपना अपना नाम बोल दो। कबरान हुसैन। तुम्हारा क्या नाम भाई? तुम्हारा नाम सुशांत राय। अब हाय बोल दो, एनर्जी के साथ बोलो, एनर्जी के साथ तेज से बोलो, कल आ जाएगा देख लेना भाई। हेलो भैया, वेज बिरयानी होगा? बिरयानी कैसा है ये जो वेज बिरयानी? बिरयानी आप लिखिए कैसा? हाँ, बिरयानी चिकन बिरयानी है। वेज बिरयानी नहीं होता है? वेज बिरयानी नहीं होगा, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी कितने का है? 300 का 300। और वेज में कुछ रखती है? वेज में आपको चाउमीन मिल जाएगा। नहीं नहीं खाना, वो खाना मिल जाएगा। वेज खाना कितने का है? 150 का थाली। बजट टेबल है, थोड़ा सस्ता ढूंढ रहे थे। होगा थोड़ा कम दे दो, खा लो। कितना, दो जन खाएगा? नहीं नहीं हम खाएंगे, अकेले खाएंगे। अकेले खाएगा तो वो हाफ नहीं देती है? हाफ नहीं, फुल प्लेट। 120 दे देना या 130 दे देना। नहीं नहीं अभी तो उधर पीछे 60 रुपए 50 रुपए मिल रहे थे पराठे या फिर राइस। आप अलग है ना, पराठा है? पराठा है? पराठा तो नहीं है अभी। ठीक है थैंक यू। तो भाई 150 रुपये थाली खाना मिल रहा भाई यहाँ पे। 120 बोल रही थी आंटी, पर हम भाई 120 में भी नहीं खुश है, हम सोच रहे हैं 50-60 रुपये में कहीं मिल जाता तो बेहतर रहता। तो भाई वेज खाना मिल चुका है 50 रुपये का भाई, दो पराठा है कुछ ऐसा भाई, ये होटल है तो खाते हैं फिर निकलते हैं भाई। तो भाई अभी खाना खा के आ चुके हैं पार्किंग में, देखो भाई कुछ ऐसा यहाँ पार्किंग है, ये नदी है भाई और यहीं पे हमारा लगा कैंप, और कैंप लगाते लगाते भाई रात हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।